लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लो बॉस अमृतांजन। अमृतांजन ये क्यों? शाम हो गई ना, आदमी बोतल लेके बैठ जाएंगे और औरतें टीवी के सामने, वो पीकर टाइट हो जाते हैं, औरतें टीवी देखकर लूज हो जाती हैं। सीरियल स्टार्ट होते ही अगर उसमें कोई झगड़ा करेगा तो उसे देखकर ये लोग झगड़ा करते हैं। ये देखो शुरू हो गई। ए रिमोट दे मुझे, तेरे बाप ने टीवी लगाया है क्या? जानती है ना मैं रोज सीरियल देखती हूँ, हर बार बताना पड़ेगा। टीवी यहाँ सबके लिए रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब मैं नहीं देखती तू तब देखा कर, जब तक मैं टीवी देखूंगी तू रिमोट को हाथ नहीं लगाएगी। तुझसे नहीं लड़ सकती, तू हमेशा लड़ती रहती है, इसीलिए घर वालों ने बाहर निकाल दिया तुझे। अच्छा, तो तुझे किस लिए छोड़ा है? तुझे भी तो घर से निकाला है। डेली इनकी लड़ाई से हम लोग टॉर्चर होते हैं। कहते हैं इस देश में सहनशीलता कहीं नहीं है, पहले अपने घर में होनी चाहिए। लेकिन घर में अगर ऐसी माएं और बीवियां हो झगड़ा करने वाली तो आदमी परेशान हो जाता है, समझे आप? एक तरफ माँ को सपोर्ट नहीं कर सकता, एक तरफ बीवी को सपोर्ट नहीं कर सकता, फेसबुक में भी ये सब नहीं डाल सकता, इसलिए कंफ्यूज होकर सफर करता है। आखिर में परेशान होकर वो अपने माँ बाप को यहाँ आश्रम में छोड़ के आराम से रहने लगते हैं। इन्हें घर से बाहर करने के बाद भी ये लोग अपनी पूरी जायदाद उन्हीं के नाम लिख देते हैं और उन्हें बैठ के श्राप देते रहते हैं। हमें क्या पड़ी है? चलो बॉस। बॉस 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 दरवाजा मत बंद कीजिए, अभी कोई आने वाला है। 10:30 बज गए, उनके लिए तो अभी रात शुरू हुई है। वो अभी बाहर जाके पूरा शहर घूम के अपने फ्रेंड्स से मिलके आते वक्त एक 90 और मेरे लिए एक 90 लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया आदमी है। चिकना। हाय सर, मैंने आपका खाना आपके कमरे में रखवा दिया है। ये तुम्हारा 90। थैंक यू। ये कौन है? इनका नाम सिद्धार्थ है, ये अभी यहीं रहते हैं। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे परिवार वालों ने आश्रम में भेज दिया, क्या इतनी जल्दी जिंदगी से थक गए हो? आई एम मोहम्मद रफी। हेलो, तुम्हें चाहिए क्या ये 90? नो थैंक्स। ए व्हाट्सएप पे एक सॉलिड वीडियो भेजा था, उसे जरूर देख लेना। उसमें कुश्ती है क्या? और नहीं तो क्या। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ये बाकी लोगों जैसे नहीं बॉस, ये बहुत अच्छे हैं। ये किसी के बारे में कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते, अपने बेटे को भी नहीं कोसते जिसने इन्हें यहाँ छोड़ दिया है। वो किसी से पैसे नहीं लेते, जो उनके पास है उसी में खुश रहते हैं। गुड नाइट बॉस, अब मेरा दारू पीने का टाइम हो गया है। पिताजी, अगले महीने हमारे घर का गृह प्रवेश है, उसका सबसे पहला कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज फंक्शन में जरूर आइएगा पिताजी। जब मैं सर्विस में था तब गवर्नमेंट ने अलाउड किया था मुझे ये प्लॉट भी मेरा है और ये पैसा भी मेरा है। तूने इसमें घर बना लिया, अब अपने बाप को आश्रम में छोड़ के तू घर में मजा लेना चाहता है। बॉस इनका नाटक चालू, प्लीज आप जरूर आइएगा सर। मैं चलता हूं कृष्णा। हाँ हेलो सर। हेलो अंकल। हाय। क्या सोच रहे हैं अंकल? नथिंग, टेल मी सिद्धार्थ। अंकल डैड ने बहुत कुछ सोच कर रखा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनमें से कुछ मैं पूरा करने की सोच रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चैरिटीज। इस साल के प्रॉफिट में से 40% चैरिटीज को देने का मैंने डिसाइड किया है। बस एक बार आपको बताकर फंड्स रिलीज करना चाहता हूं। क्या बात है अंकल, आप साइलेंट हो गए, क्या हुआ? तुम जिस हाल में हो इस वक्त ये बताना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बताना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो भला करते हैं उनके साथ भला नहीं होता सिद्धार्थ। समाज में सबकी मदद करने के लिए अशोक ने एक पोलियो फंड बनाया था, लेकिन उसमें जो कमी पड़ गई थी ये बात तुम तक नहीं पहुंची। पूरा राज्य तुम्हारे पिताजी से नफरत कर रहा था, पूरे राज्य की जनता भी। अशोक ने जिस दवाई के लिए फंड दिया था उसमें डेंजरस केमिकल्स थे, उसके कारण बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए, कुछ बच्चे मर भी गए। पोलियो स्कैम में एक्स हेल्थ मिनिस्टर को जेल हो गई। अशोक को कोर्ट नोटिस भी आया था, ये बताने से पहले ही अशोक वो निर्दोष है ये मैं ही जानता हूं, लेकिन ये साबित करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है और वो भी नहीं रहा। ये केस कैसा मोड़ लेगा पता नहीं, उसका बेटा होने के नाते सब लोग तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। मुझे तो लगता है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाना चाहिए। मैं ऐसा बेटा नहीं हूं जो डर कर कहीं छुप जाऊं, और ना ही ये बात मेरे डैड ने मुझे कभी सिखाई है। जिस आदमी के कारण मेरी एक पहचान बनी है उनकी पहचान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
डॉट। हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करने निकलेंगे तो हजारों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तब हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। आश्रम चलाने के लिए कृष्ण भैया ने कुछ फाइनेंस लिया था। आज तक तो वो किसी तरह मुश्किल से इंटरेस्ट भरते आए, पर पिछले 3 महीनों से वो भर नहीं पाए, इसलिए उस फाइनेंसर ने सबको बाहर कर दिया है। कृष्ण भैया ने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ सब बुजुर्ग लोग हैं सर। सर कल बार यहाँ से इन बुड्ढों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ए, सारे दरवाजे लॉक करो। तेरा पैसा मांगना गलत नहीं है, मांगने का तरीका गलत है। ब्लैंक चेक, जितना अमाउंट है और उसका इंटरेस्ट, और तेरा और तेरे आदमियों का हॉस्पिटल का बिल सब मिला के भर दे। आज के बाद इस आश्रम की तरफ आया भी ना। आज तक मैंने कई लोगों को अपने लिए करोड़ों कमाते देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को दूसरों के लिए करोड़ों देते हुए देख रहा हूँ। तभी शायद लोग इन्हें महाराष्ट्र का करोड़पति कहते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स और आपने मुझे बताया नहीं कृष्णा, क्या सोचा मैं मर चुका हूँ? नहीं अप्पू, तुम पहले से ही अपनी परेशानियों में इतने घिरे हुए हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। जब वो सब बाहर खड़े थे, उनकी आंखों में वो डर शर्मिंदगी थी। अगर उन्हें वो बाहर फेंक देते तो कहां जाते वो लोग? एक सेकंड के लिए मुझे अपना आश्रम का अतीत याद आ गया, तभी लगा कि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। ये कोई पुरन पोली है क्या? ठीक तरह से बनाना भी नहीं आता, त्योहार के दिन भी इतना घटिया खाना मिलता है, क्या बदकिस्मती है। मैं 1:30 बजे तक आ जाऊंगा, तुम खाना खा लेना। ओके। बॉस 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 बॉस, वो मत खाना आप,
अरे वो बुड्ढा ठीक नहीं बना है, कह के छोड़ के चला गया है। वो झूठी प्लेट है, मैं दूसरी ले आता हूँ। लाओ दो, दो। कोई बात नहीं, खाते वक्त बीच में नहीं उठना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं होता, और कुछ लोग हैं जिन्हें कोई पूछता भी नहीं कि खाया कि नहीं। हमारी जिंदगी तो कुछ लोगों के लिए बस सपना बन के रह जाती है। जो हमें मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। तू जाके मक्खन ले आ जा। मंत्री जी की जय। मंत्री जी की जय। मंत्री जी की जय। मंत्री जी की जय। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पार्टी और जनता की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। मैं अपना काम और पार्टी का जो भी कर्तव्य है उसे ठीक से निभाऊंगा। आपकी योजना है, आपकी सोच और आपका प्लान क्या है, ये बताएंगे सर? तुम ट्विटर पे हो ना? यस सर। वहाँ मुझे फॉलो करना। ओके सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दादी, इंग्लिश सीख रही है या बुक हाथ में लेके हमें बेवकूफ बना रही है? बिल्कुल सीख रही हूँ बेटा। ऐसा है क्या? मुझे दो टेस्ट लेता हूँ। ये क्या है? FLOWER फ्लावर। इसका क्या मतलब? मतलब फूल। और ये POWER पावर। मतलब बढ़िया। हाँ, आज मेरे बेटे का गृह प्रवेश है। मेरे बेटे ने यहाँ आकर मुझे इनविटेशन दिया था। वहाँ जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन उन सबके साथ घर को भी छोड़ चुका हूँ, इसलिए अकेले जाने में अजीब सा लग रहा है। हाय, नमस्ते। हाय। पापा, खुश रहो। आप ठीक हो ना? आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते, 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 नमस्ते। आइए पापा, आइए। सर थोड़े चावल दूं मैं आपको? नहीं, बहुत है, थोड़े से ले लीजिए। अगर वो मना कर रहे हैं तो क्यों फोर्स करते हो? जितना चाहिए उतना वो खाएंगे। चावल वेस्ट मत करो, वो चावल किसी और को खिला सकते हो। टॉल पापा, तुमने घर बहुत अच्छा बनाया है। गलती सब मेरी है। अगर मैं यहां रहूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। जाने अनजाने अगर मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। अब मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। पापा, फैमिली में ये सब तो आम बात है, उसे अपने मन में मत रखिएगा पापा। जब आपका घर है, बच्चे हैं, पोती हैं, तो फिर आप आश्रम में क्यों रहना चाहते? मेरी बात मानिए, प्लीज रुक जाइए। प्लीज पापा, पापा प्लीज। कृष्णा, घर आते रहना, मैं अब अपने बेटे के साथ रहूंगा। पापा,